तो दोस्तों इस तरीके से सब्जी बनाते हैं करेला और आलू प्याज की, तो बहुत ही टेस्ट और अच्छे में बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी। जैसे कि हमने ये ले ली हैं करेले, और इच्छे अच्छी से हमने धो के पहले से ही रख लिए हैं। और ये हैं आलू, बराबर बराबर डालेंगे आलू और करेला और प्याज। ये प्याज हैं, इन्हें अच्छे से हम छीलकर और काट लेंगे। और किस तरीके से बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में, इस वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों इस साइज में हम काटेंगे तो दोस्तों हमने प्याज इस तरीके से काट लिए हैं, और ये आलू भी लंबे पीसों में हमने काट लिए हैं, और करेले तो पहले हमने दिखाई दिए हैं, इस तरीके से आप लोगों को काट लेने हैं। और अब इसे बनाकर दिखाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे हम। इस जो हमारे करेले कई बार कड़वे भी बनते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बनाओगे तो आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे और अच्छे से बहुत ही टेस्ट बनते हैं। एक कढ़ाई ले ली है और हमने गैस को कर दिया है ऑन। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच। तो देख लीजिए, एक बड़ा चम्मच जो हमने नाप लिया है सरसों का तेल, इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, यही एक चम्मच ही डालेंगे। और इसे गर्म होने देंगे अच्छे से। तो दोस्तों जो हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे हम सबसे पहले करेले जो कटे हुए हैं, इन्हें अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे, देख लीजिए कौन कौन से मसाले डालेंगे। ये जब तक पकाएंगे जब तक हमारे करेले की जो कलर जो चेंज ना हो जाए, जैसे कि ब्राउन कलर होए, उस तरीके से हम बनाएंगे। फिर जो प्याज और आलू है वो बाद में डालेंगे, इन्हें पहले अच्छे से पकाएंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमारे जो करेले हैं वो थोड़े थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब डाल देंगे इसमें जो प्याज और आलू हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें मसाले। तो ये देख लीजिए मसाले, ये है नमक, ज़्यादा डालना है थोड़ा सा, ये हरा धनिया, और ये लाल मिर्च, ये हल्दी, अब उसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम बीच में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमने सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, और अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारे आलू और प्याज और करेले अच्छे से ना पक जाए, बिल्कुल ढल ना जाए। जब तक पकाएंगे इसको ढककर और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम बीच में चेक कर रहे हैं कि आलू हमारे अभी और करेले पके भी हैं या नहीं। अभी तक तो नहीं पके हैं, लेकिन हम बीच बीच में ही चेक करते रहेंगे, और भी इस तरीके से हम चेक करेंगे, बार बार में चेक करते रहेंगे।